सर आज चिराग पासवान से आप मुलाकात करने पहुंचे हुए थे। देखिए उनको आज हमने मुबारकबाद दिया था जन्मदिन में कि आपको सब सीट मिल गया, बहुत मुबारकबाद। यंग हैं हम लोग, साथ तो रहे हैं, काम किए हैं, तो बोले कि आप दिल्ली में तो मुलाकात होनी चाहिए, तो आ गए हम लोग। बोले कि चुनाव लड़ेंगे इनकी पार्टी से। पिछली बार भी लोजपा से आप चुनाव लड़े थे, क्या इस बार चिराग पासवान के पार्टी से आप लड़ रहे हैं खगड़िया? बिल्कुल मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे, क्योंकि जितना मेरा मेहनत और काम खगड़िया में किया हुआ है और वहाँ की जनता का जो प्यार मिला है और हमने भी जो प्यार दिया है, जो काम किया है, तो खगड़िया से लड़ने का पूरा इरादा है मेरा। चिराग पासवान ने आश्वासन दिया आपको? नहीं, अभी कोई आश्वासन नहीं है, लेकिन उनके पास सीट भी है और वो हमको लगता है कि चाहते भी हैं कि हम लड़े वहाँ से। आपने पारा बदल दिया, आप चाचा पारस की तरफ थे, वहाँ पर कल गए थे मिलने के लिए, जब पार्टी टूटी थी तभी उधर की तरफ थे। हम तो सभी जानते हैं कि पारस जी के साथ थे हम, और चलिए पॉलिटिक्स में होता है सब। नीतीश जी किधर थे और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं, और सब ऐसा तो ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि खगड़िया के लिए जो हमने अपना खून पसीना किया है, वहाँ की जनता का जो प्यार उसने दो बार मिला है जी। हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार भी चिराग पासवान के हाथ को मजबूत आप कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, पूरे एनडीए का हम तो हमेशा आज के हम तो 10 साल से बोल रहे हैं कि एनडीए में रह करके एनडीए के हर प्रोग्राम को हम मजबूती देते हैं, हर प्रोग्राम में जाके उद्घाटन करते हैं, वहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हैं। किसी को पता भी नहीं है कि बहुत एमपी को पता भी नहीं कि आईसीटी लैब में जाके उद्घाटन करके उसको कौन किस गवर्नमेंट का है वो स्कीम, किसी को पता ही नहीं है। हम तो कम से कम 80-90 जगह पर जाकर उद्घाटन किए और वहां पर जाकर के बताए कि ये सेंटर का स्कीम है आदरणीय प्रधानमंत्री। इसी तरह से तमाम चिराग पासवान का फ्यूचर कैसा देखते हैं, राजनीतिक फ्यूचर? देखिए जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया 2-2.5 साल, उसका फ्यूचर विरासत में उनको मिला ही है, उनके खून में है, देखने में अच्छे, बोलने में अच्छे, तो उनका तो हम हमेशा बोलते हैं। कोई आज उनसे मिलने आया तब नहीं, हम तो आप मेरा 2 महीना 4 महीना 6 महीना पहले का इंटरव्यू देख लीजिए, हम बोलते हैं कि उनके पास सारा इंग्रेडिएंट है जो कि एक अच्छे कामयाब नेता को होना चाहिए।